नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। गुरुवार को कटनी प्रवास पर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा से खासे नाराज नजर आए। ओवर ब्रिज लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने मंच से कलेक्टर की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि आपकी टीम का काम सही नहीं है, दो तीन लोग मुझसे मिलने आ रहे थे लेकिन मिल नहीं पाए हैं। मुख्यमंत्री ने मंच से ही कलेक्टर से कहा कि जो दो तीन लोग मुझसे मिल नहीं पाए हैं उनकी समस्याएं सुनने किसी अफसर को जिम्मेदारी सौंपे। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से यह भी साफ कहा कि उन लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करने के बाद मुझे सूचित करें। सीएम की नाराजगी देख कलेक्टर उनके नजदीक आते हुए फुर्ती दिखाने लगे। तभी सीएम ने कलेक्टर को रोकते हुए कहा कि अभी नहीं, अलग से उन लोगों की समस्याएं सुने। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि यह मामा का राज है, अफसरों की मनमानी नहीं चलेगी। कटनी से शैलेश पाठक। भांजे भांजियों, मामा की सबको राम राम, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। मैं कलेक्टर को यह जरूर कहूंगा कि अगर कोई गरीब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मशक्कत करे, इसका मतलब आपकी टीम का काम परफेक्ट नहीं है। यह ढंग से देखना चाहिए और जो दो तीन लोग उनको किसी अफसर को सौंपे, उनको अलग बुला के बाद में, अब नहीं अभी नहीं, और उनकी समस्या का समाधान करके मुझे बताएं। देखो भाई, ये मामा का राज है, अफसरों का राज नहीं चलेगा किसी भी हालत में। गरीब आदमी हमारा, अब बात नहीं बेटी, ये बुलाएंगे बात करेंगे और नहीं होगा तो मैं देखूंगा, ठीक है? तो तुम भी बोलो भारत माता की, ठीक है। अब ये विकास के काम तो होंगे ही, लेकिन हमारा जो दूसरा प्रयास है